मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपने विजन से वेस्ट को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं वैसा उन्होंने काम किया है. ही इज अ मैन ऑफ क्रिएशन, ही इज अ मैन ऑफ इनोवेशन. और आज जो सत्र का जब हम शुभारंभ कर रहे हैं और आज ये प्रोग्राम है वो भी विकसित भारत 2047 के अंतर्गत है सर. तो हम जब बात करते हैं विजन का 2047 का और आपको हम विजनरी लीडर के तौर पे देखते हैं, तो नितिन गडकरी हु इज अ मैन ऑफ क्रिएशन, हु इज अ मैन ऑफ इनोवेशन, आपका 2047 का या इस 5 साल के मोदी 3.0 का क्या विजन है सर? देखिए प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है पर एक ही इसमें बहुत सी बातें आएंगी तो पार्ट पार्ट में जी बिल्कुल आपको बताऊंगा. जी मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मंत्री हूं जी, और रोड और फ्यूल दो क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं. सबसे पहले आपको एक अच्छी बात बताऊंगा जो आज ही हुई है. अरे वाह सर. आज हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सभी एमडी मेरे यहां मीटिंग में आए थे और हमारा ये सपना था कि हमारे देश का 22 लाख करोड़ रुपए ये फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा होगा जी, पेट्रोल डीजल गैस. और हमारी ये कल्पना थी कि इसके ऊपर बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल के पर्याय पर काम करके हम हमारे देश को प्रदूषण से भी मुक्ति दें, क्योंकि ये 22 लाख करोड़ का जो पेट्रोल डीजल आता है ये बहुत प्रदूषण करता है. 40% प्रदूषण का कारण फॉसिल फ्यूल है और दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या समझाने की आवश्यकता नहीं है. ये तो एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो रोग रहते हैं वो अपना 10 साल जीवन कम कर रहे हैं. बिल्कुल. तो आज मेरा एक सपना था कि इथेनॉल जो मैं बहुत 25 साल से इस पे काम कर रहा हूं जी, ये पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में आगे आई. और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में खोलने का निर्णय किया जी. अब ये निर्णय होने के कारण आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी शुगर इंडस्ट्री पर है. Absolutely. और अब शुगर के बजाय इथेनॉल तैयार होगा. दूसरी बात, कौन से इथेनॉल बनता है? पिछले साल कॉर्न का, मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, यानी एमएसपी जो थी वो 1800 थी और मार्केट प्राइस 1200 थी. अभी बिहार में मक्के के इथेनॉल बनाने वाली 10 फैक्ट्री काम कर रही है और देश में मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, बीमोलाइसिस हेवी मोलाइसिस से बन रहा है. तो मैं जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता हूं वो किसानों का है जी. तो आज मुझे खुशी हुई कि जो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव था वो 2800 रुपए क्विंटल हुआ और किसान के जेब में पैसे गए. सर इसमें जो हम नॉर्मल गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल डलता है, क्या इथेनॉल उन्हीं गाड़ियों में होगा या उसके लिए एक नई इंजन, नई गाड़ियां होंगी? आप अभी गेट पर जगदीश जी आए थे जी, मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया हूँ जी वो टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है जी, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जी. ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म को कम्प्लाई करती है जी. और ये गाड़ी जो है इथेनॉल उसमें डालने के बाद वो 60% बिजली तैयार करती है. तो 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पे चलती है. पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 60-62 रुपए लीटर है. तो इसका एवरेज अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होगा और ऊपर से पोल्यूशन नहीं. तो अभी तो गाड़ी बाजू में खड़ी है तो आप देख सकते हैं. बिल्कुल सर. दूसरी बात जो है कि आज मुझे खुशी इस बात की हुई कि टू व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो, यामा, सुजुकी और रॉयल इनफील्ड ये 6 कंपनियों ने टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर इसमें बनाने वाले जो है उन्होंने 100% इथेनॉल पर बनाया है और मार्केट में लॉन्च कर रहा है. ये पहली बार किसी मीडिया को मैं बता रहा हूं आपके. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 4 व्हीलर जो है उसमें टोयोटो, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा और हुंडई ये 5 कंपनियां अपनी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं. तो आप इस देश में
जो पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब इसके बाद किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी और ये सस्ता भी है। 120 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए का डीजल, उसमें इथेनॉल 60 रुपए का, और अगर बिजली पे चलोगे तो 8 रुपए का खर्चा, और सीएनजी पे चलोगे तो 25 रुपए का खर्चा। सर तो इसका ये मतलब हुआ, एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमारा किसान अब अन्नदाता केवल नहीं है, ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बन गया। ईंधन दाता नहीं, अब वो विशेष रूप से बिटुमिन दाता बना है। और ये जो गैस की 400 फैक्ट्री सीएनजी की आ रही है राइस स्ट्रॉ से, उसमें 35% लिग्नेंट निकलता है जी। और मैंने ऑयल कंपनियों की अभी मीटिंग बुलाई है, हमारे इसमें देश में 90 लाख टन बिटुमिन लगता है और 40 से 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अभी ये जो लिग्नेंट निकलेगा ये और बायो बिटुमिन, ये 35% तक बिटुमिन में डाला जा सकता है। फिर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा, आज ही उन्होंने बताया कि हमने काम शुरू कर दिया, 7% प्लास्टिक, और जो टायर है आपके वेस्ट टायर उसकी पाउडर निकालकर वो रबर 15% और 35% बायो बिटुमिन डालेंगे तो जो 90 लाख टन का इंपोर्ट है वो शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वेस्ट टू वेल्थ वाला सपना पूरा होगा। बिल्कुल। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं अक्सर याद रखता हूँ और सबको बताता हूँ। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये हमारा भविष्य है। और दूसरी बात, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। और मुझे खुशी है कि आप दिल्ली में गाजीपुर नाम की एक टेकड़ी है कचरे की, बिल्कुल हमने 7 मीटर टेकड़ी की हाइट कम की है दिल्ली मुंबई हाईवे में और UR2 में, और चंडीगढ़ काफी जगह तक हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट हाईवे में यूज की है। और अब आगे जाकर ये म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, ग्लास और मेटल रिसाइकलिंग होगी, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे सीएनजी भी बनेगा और हाइड्रोजन भी बनेगा। आज सुबह अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी के सीईओ की कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे वहां जाने का मौका मिला, तो हिटैची कंपनी, बाकी सब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी थी, और मैंने उनको कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, इसमें आप टेक्नोलॉजी लेकर आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगले आने वाले समय में म्यूनिसिपल वेस्ट से और हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे, और अभी हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक बात, शायद मैं इतनी अलग अलग बातें कर रहा हूं कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे नेता आते और बोलते जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे आज तक घोषित किए हुए एक भी बात को कोई भी पत्रकार चैलेंज नहीं कर सकता, मैं जो बोलता हूँ वो 100% हुआ है और इसलिए होगा, इसके ऊपर विश्वास रखिए। सर आपने क्या किया है, जगदीश सर आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा ही छीन लिया। जिस क्रूड ऑयल पे झगड़ा हो रहा है, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, भारत, आपने उस क्रूड ऑयल का मसला ही, अगर ऐसा रहा जो आप विजन बता रहे हैं और ये धरातल पे आया, तो शायद वो मसला ही एक तरह से पूरी खत्म हो जाएगा। क्या होगा मैं आपको बताता हूं, तो आप विश्व शांति के लिए काफी बड़ा अभी आपका कदम। जो लोग क्रूड ऑयल के आधार पर, बोलना नहीं चाहिए पर शब्द उचित है, दादागिरी, जी बिल्कुल दादागिरी, तो जो हमारे ऊपर रोज रेट बढ़ा के होती है जी। अब हिंदुस्तान अगली बार हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है, जो कोयले से होता है ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास कचरे से और पानी से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हाउ वी आर द नंबर वन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर, जो पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर हम बनाते हैं, पर 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है। अब ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ये इजीली अवेलेबल है, और मेरा टारगेट है कि हमारा 1 kg $1, $1 में 1 kg हाइड्रोजन आएगा तो आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट 15 से 20 पैसे आएगी। ट्रक, बसेस, हवाई जहाज, कार, रेलवे और फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज सब हाइड्रोजन पे चलेगी, और हाइड्रोजन हम इतना तैयार करेंगे
कि हम हाइड्रोजन को निर्यात करेंगे और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बंद कर देंगे और दुनिया में भारत समृद्ध संपन्न बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, ये पक्का होगा सर। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुझे जाहिर तौर पे लगता है कि सभी के मन में, और आप ही की वजह से, क्योंकि आपने कई बार ईवी की गाड़ियां जो हैं उसकी व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई बार आपने कहा है और लोगों ने उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन अब उसके बहुत चैलेंजेस हैं और मैं चाहती हूँ आप ही के मुंह जबानी वो तमाम चीजें यहाँ पर निकले। ईवी को लेकर सबसे पहले सवाल उठता है कि उतनी ज्यादा मात्रा में चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ईवी की अगर हम कंपनियों में जाते हैं गाड़ियां लेने तो बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अभी बंद है, रोकी हुई है। टू व्हीलर की बात करें, फोर व्हीलर का जिक्र करें, तो ईवी को लेकर जितना बड़ा प्रमोशन हुआ या लोगों की चाहत थी, लेकिन उस तरीके का मार्केट जो है वो दिया नहीं गया लोगों को, ऐसा क्यों सर? पहली बात तो आपकी कुछ बातों को मैं सुधारूंगा। जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा और दिल्ली में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा भी मैंने देश में लाई और मुझे बहुत सबसे अच्छा काम हुआ। 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को धोने का काम करते थे और ये मैकेनाइज्ड इवन ई रिक्शा मैंने लाई, तब मैंने मार्केट में अवेलेबल जो पार्ट थे वो यूज करने की अनुमति दी और आज 1.5 करोड़ लोगों को जो अमानवीय रूप से जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली और मैकेनाइज्ड इवन ई रिक्शा और मैकेनाइज्ड इवन ई कार्ट आया। अब कोई बोरा पीठ पर रखा हुआ आपको दिखता है कि नहीं मिलेगा सर? बिल्कुल, इट्स अ ब्लेसिंग, मुक्ति इससे मिली। एक बात आपको बता रहा हूं, पहली बात, अभी इलेक्ट्रिक में जो स्कूटर है वो 120 किलोमीटर चार्ज होती है। बजाज और टीवीएस कंपनी ने स्टडी किया तो दोनों के स्टडी में है कि एक व्यक्ति दिन में 24 से 26 किलोमीटर स्कूटर चलाता है और जबकि वो 120 किलोमीटर चार्ज है और घर में रात को गाड़ी रखी 12 बजे 10 बजे पहुंचे, लग दे अपलग, 2-4 घंटे में चार्जिंग होता है जी। मेरे घर पर 17 इलेक्ट्रिक कार है और वो कार में प्लग है और रात को आती है और लग, एक कार मैक्सिमम 80 किलोमीटर चलती है, तो इलेक्ट्रिक में चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक में विशेष रूप से जो प्रॉब्लम कहा है कि अभी दिल्ली से जयपुर यहाँ प्रॉब्लम है, दिल्ली से मुंबई गाड़ी में जाओगे तो प्रॉब्लम है क्योंकि डिस्टेंस बड़ा, और इसलिए अभी हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई है और उसमें हर जगह पर चार्जिंग स्टेशन है। और आज ही मैंने एक नया ऑर्डर निकाला और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। और वो नागपुर के रिंग रोड पर 50 किलोमीटर मैं गया था जेकोस्लाविया स्कोडा कंपनी में और वहां जाकर मैंने देखा कि वहां इलेक्ट्रिक की बस है, वो ऐसी नहीं, इलेक्ट्रिक बस बस स्टॉप पे खड़ी होती है और एक चार्जर, फ्लैश चार्जर ऊपर से नीचे आता है और आधा मिनट में बस को चार्ज करता है और बस 40 किलोमीटर जाती है, फिर चार्जर आता है फिर 40 किलोमीटर जाती है। तो स्कोडा कंपनी का मैंने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया और हिटैची और सीमेंस दो के पास ये फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है और आज ही नागपुर का पहला प्रोजेक्ट 160 करोड़ रुपए मैंने इसके लिए मंजूर किए। ये जो बस बनेगी ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। ये 135 सीटर बस होगी, एयर कंडीशन होगी, आप जैसे बैठे हैं वैसे एग्जीक्यूटिव चेयर होगी बस में, बस होस्टेस एयर होस्टेस जैसी होगी, चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा और सामने लैपटॉप होगा और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और दिल्ली से जयपुर, वंडरफुल सर, ये बस जैसे ये नागपुर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो दिल्ली से जयपुर मैं बस शुरू कर दूंगा और आपका डीजल बस जो है ना जिसमें हॉर्न छोड़कर सब बजता है वो बस के टिकट से 30% सस्ता आपको पहुंचाऊंगा सर। पर आपको इस बात के लिए कोई, कई लोग कहते हैं कि हमने चिट्ठी भी लिखी, ट्वीट भी करा, जो पुरानी सड़कें थी अब उनमें खड्डे या कुछ मरम्मत की जरूरत, कुछ तकलीफें, ऐसे कोई फीडबैक आपके पास आया है? मेरे पास खूब फीडबैक आया है। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी रोड को अच्छा बना तो मुझे जिम्मेदार पकड़ते और गड्ढे पड़े तो मुझे जिम्मेदार मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ जी। वैसे आप गुड़गांव के, इसलिए बताओ अंडरपास जो है ना गुड़गांव में, बिल्कुल सर, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुझे 50% देने का कबूल किया, पैसे नहीं दिए, मैंने अपने खर्चे से बनाया।
वहाँ एक हीरो हीरो का स्क्वायर है, वो ब्रिज मैंने बना है जी। फिर इपको का कोई है वहाँ ब्रिज बना है, और अभी मैं दिल्ली से जयपुर पुराने रोड पर 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको सुधार रहा हूँ। बहुत अतिक्रमण है, प्रॉब्लम है, और मैंने देश में दो रोड के कारण बहुत गालियां खाई, ये जयपुर का पुराना हाईवे और एक हमारा मुंबई गोवा का जी। ये बड़े मुझे एक बड़े तकलीफ देने वाली बात है। अब इसको भी पानी बरसात के बाद एक सर आम लोगों से जुड़ी एक समस्या है, वो आज आपसे खुल के समझेंगे। टोल, सड़कें अच्छी हैं तो टोल महंगा है, और ये अगर एक्सप्रेस वे का ही जिक्र करें, और जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं वो टोल के मीम्स नजर आते हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि टोल को लेकर जिस तरीके से लोगों में एक बात आई है कि जब सड़कों 2 साल हो गए, इनका मुआवजा पूरा हो गया, फिर भी टोल लिया जा रहा है, सर असल में मुद्दा क्या है टोल को लेकर? ये इसका जन्मदाता मैं हूँ जी, अगर इसमें अच्छी बुराई को, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था जी तो पैसे नहीं थे सरकार के पास, तो मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनाए जी। आप कभी मुंबई जाओगे तो समुन्द्र में एक ब्रिज बनाया वर्ली बांद्रा, बिल्कुल सर वो मैंने ही बनाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, तो पैसे मैंने कैपिटल मार्केट से उठाए लोगों से, तो पैसे वापस करने पड़े, वो पैसा भी वापस हो गया। अब पहली बात, मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे। आप में से जो मुंबई वाले होंगे उनको पता होगा, बरसात में वो खंडाल लोनावला में ट्रक उल्टा हो जाता था, 9-9 घंटे लगते थे। अब 2 घंटे में आते हैं तो 7 घंटे गाड़ी कम चलती है, तो फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, सिक्योरिटी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं डेहराडून जाने के लिए यहाँ से 8 घंटे लगते, 9 घंटे। अगला आने वाले साल के 1 जनवरी से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाओगे, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मनाली मैं एक नया रोड बना रहा हूँ वो रोड पे आप 8 घंटे में जाओगे, और बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में जाओगे, अभी मैसूर से बेंगलोर 4.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ, दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। तो मैं आपको ये जब रोड बनाएंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सर, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी आंसर यू गिवन, और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही सड़कें बनाते रहें सर, और हम उन सड़कों पर टोल देकर जबरदस्त चलते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू।